गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम गुलमोहर में यूनिट 4 अ वंडरफुल गिफ्ट पढ़ेंगे। यह स्टोरी एक बच्चे की जिसका नाम है बेंजामिन वेस्ट, अमेरिका में रहता था। स्टोरी का नाम है अ वंडरफुल गिफ्ट, एक अद्भुत उपहार। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड इन अमेरिका अ लिटिल बॉय नेम्ड बेंजामिन वेस्ट। बहुत समय पहले अमेरिका में एक लड़का, छोटा सा लड़का रहता था, बेंजामिन वेस्ट नाम का। बेंजामिन लव्ड पिक्चर्स, बेंजामिन को तस्वीरें पसंद थी। बट ही हैड नेवर सीन एनी पिक्चर्स एक्सेप्ट अ फ्यू स्मॉल वंस इन अ बुक। लेकिन उसने कभी तस्वीरें नहीं देखी थी सिवाय कुछ जो उसके एक किताब में थी, एक किताब में कुछ तस्वीरें थी, उनको छोड़कर उसने कभी पहले नहीं देखा था। तस्वीरें उसने नहीं देखी थी। ही लव्ड देयर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर्स, वो उनके चमकीले और ख़ूबसूरत रंगों को पसंद करता था। हिज़ फादर एंड मदर डिड नॉट थिंक इट वॉज़ राइट टू स्पेंड मनी फॉर सच थिंग्स। उसके माता और पिता को ये सही नहीं लगता था कि इन चीज़ों पर पैसे खर्च करें, वो नहीं सोचते थे कि ये सही बात है। दे थॉट द पिक्चर्स माइट टेक हिज माइंड अवे फ्रॉम मोर यूजफुल थिंग्स। उनको लगता था कि तस्वीरें उसके दिमाग को ज़्यादा उपयोगी चीज़ों से अलग हटा सकती हैं, भटका सकती हैं रास्ते से। वन डे बेंजामिन्स मदर हैड टू गो आउट फॉर सम वर्क। एक दिन बेंजामिन की माँ को कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ा। शी टोल्ड बेंजामिन टू स्टे इन द हाउस एंड टेक केयर ऑफ हिज बेबी सिस्टर अंटिल शी केम बैक। उन्होंने बेंजामिन को बोला कि तुम घर में रहो और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना जब तक वो वापस आएंगी तब तक। ही वॉज़ ग्लैड टू डू दिस बिकॉज ही लव्ड द बेबी। उसको ऐसा करना पसंद था क्योंकि उसको बेबी, बच्ची जो थी वो उसको पसंद थी, वो उसको प्यार करता था। शी वॉज एस्लीप इन हर क्रिब, वो अपने पालने में सोई हुई थी। फॉर अ वाइल ही सैट वेरी स्टिल, ही डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी नॉइज एंड वेक हर। थोड़ी देर के लिए वो चुपचाप बैठा रहा, वो कोई आवाज़ नहीं करना चाहता था, शोर नहीं मचाना चाहता था और उसे जगाना नहीं चाहता था। ही कुड हियर द क्लॉक टिकिंग, वो घड़ी की टिक टिक सुन सकता था। ही हर्ड द बर्ड्स सिंगिंग, सून ही बिगन टू फील अ लिटिल लोनली। उसने चिड़ियों के गाने की आवाज़ सुनी, जल्दी ही उसको अकेलापन महसूस होने लगा। अ फ्लाई सैट ऑन द बेबी चीक एंड ही ब्रश्ड इट अवे, एक मक्खी बच्ची के गाल पर बैठी और उसने उसको उड़ा दिया, हटा दिया। देन ही थॉट व्हाट ए प्रीटी पिक्चर ही कुड मेक, तब उसने सोचा कि कितनी खूबसूरत तस्वीर वो बना सकता है ऑफ हिज बेबी, ऑफ हिज सिस्टर्स लवली फेस एंड हर लिटिल हैंड्स, अपने बहन की प्यारी मुखड़े का और उसके छोटे छोटे हाथों की तस्वीर कितनी सुंदर वो बना सकता है, उसने सोचा। ही हैड नो पेपर, उसके पास कागज़ नहीं था। बट ही फाउंड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, लेकिन उसने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा पाया। ही हैड नो पेंसिल बट ही फाउंड अ पीस ऑफ ब्लैक चारकोल, उसके पास पेंसिल नहीं थी लेकिन उसने एक काले चारकोल का टुकड़ा पाया। ही बिगन टू ड्रॉ, उसने तस्वीरें बनाना शुरू किया। द बेबी स्माइल्ड बट डिड नॉट वेक अप, बच्ची मुस्कुराई लेकिन जगी नहीं। द पिक्चर ग्रू एज द चारकोल टच्ड कार्डबोर्ड, तस्वीर बनने लगी, धीरे धीरे पूरी होने लगी। ज्यों ज्यों चारकोल का टुकड़ा कार्डबोर्ड को छूता था, हियर वॉज हर राउंड हेड कवर्ड विद प्रिटी कर्ल्स, ये रहा उसका गोल चेहरा घुंघराले बालों से, खूबसूरत घुंघराले बालों से ढका हुआ। हियर वॉज हर माउथ, ये रही उसका मुँह। हियर वर हर लिटिल राउंड आइज, ये उसकी छोटी छोटी गोल आँखें। हर स्मॉल ईयर्स, उसके छोटे कान। एंड हियर वर हर टाइनी हैंड्स, और उसके ये रहे उसके छोटे छोटे हाथ।
इट वॉज हर वेरी क्वाइट इन द हाउस, बहुत शांति थी घर में. ही वॉज सो बिजी ड्राइंग दैट ही डिड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. वो तस्वीरें बनाने में इतना मशगूल था, इतना व्यस्त था कि उसको और कुछ सूझ नहीं रहा था. उसने और कुछ नहीं सोचा, और कुछ नहीं. ही डिड नॉट इवन हियर और हिज मदर्स फुट स्टेप्स एज शी केम इन टू द रूम. वो अपनी माँ के कदमों की आवाज़ भी नहीं सुन सका जब वो कमरे में आई. ओह बेंजामिन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, शी क्राइड. वो चिल्लाई, ओह बेंजामिन तुम क्या कर रहे थे. द बॉय स्प्रैंग अप अलार्म्ड. लड़का आश्चर्यचकित होकर उछल गया, थोड़ा भयभीत था. इट्स ओनली पिक्चर ऑफ द बेबी मदर, उसने कहा. यह सिर्फ बच्चे की तस्वीर है माँ. हिज मदर वॉज सो ओवरजॉयड दैट शी हग्ड हिम एंड किस्ड हिम. उसकी माँ इतनी खुश हुई कि उसको गले लगा लिया, उसको चूम लिया. देन सडनली अचानक तब शी बिगैन टू वरी, तो उसको चिंता होने लगी, चिंता करना शुरू कर दिया उसने. हैड बेंजामिन डन द राइट थिंग, क्या बेंजामिन ने सही काम किया है. बेंजामिन हाउ डिड यू लर्न टू ड्रॉ सच ए लवली पिक्चर. बेंजामिन तुमने इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाना कहाँ सीखा, उसने पूछा. आई डिडंट लर्न इट, ही आंसर्ड. मैंने सीखा नहीं, आई जस्ट डिड इट, मैंने बस कर दिया. आई कुड नॉट हेल्प बट डू इट, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया ऐसा करने से. When Benjamin's father came home, जब बेंजामिन के पिता घर आए, his mother showed him the picture. उसकी माँ ने उसकी तस्वीर दिखाई. It looks like her, doesn't it? ये उसकी तरह दिखता है ना, she asked, उसने पूछा. But I don't know what to think. लेकिन मुझे नहीं पता क्या सोचना चाहिए. Is it very wrong for Benjamin to do such a thing? क्या ये बेंजामिन के लिए ऐसे करना, ऐसी चीज़ करना सही है, गलत है, पता नहीं. इज़ इट वेरी रॉन्ग, क्या बहुत गलत है ये बेंजामिन के लिए चीज़ करना. उसने ये बात कही, इस बात में जोड़ा. बेंजामिन फादर डिड नॉट आंसर. बेंजामिन के पिता ने जवाब नहीं दिया. ही लुक्ड एट द पिक्चर केयरफुली, उसने तस्वीर को ध्यान से देखा. देन ही हैंडेड इट बैक टू हिज वाइफ एंड सेड पुट इट अवे. तब उसने अपनी पत्नी को तस्वीर पकड़ाया और बोला कि इसको रख दो. सेवरल वीक्स लेटर, कई हफ्तों के बाद, द प्रीस्ट ऑफ देयर चर्च कॉल्ड ऑन देम. उनके जो चर्च के जो पुजारी थे, फादर थे, वो आए उनसे मिलने. द प्रीस्ट वॉज अ वाइज ओल्ड मैन विद अ वेरी प्लीजेंट फेस. प्रीस्ट जो थे बहुत ही बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति थे, और उनका चेहरा बहुत ही प्लीजेंट, सुहाना, बढ़िया था, देखने में बढ़िया लगता था. ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाई एवरी वन. उनको हर किसी का प्यार उनको किया जाता था, हर किसी के द्वारा, और इज्जत दी जाती थी. बेंजामिन पेरेंट्स डिसाइडेड टू शो हिम द पिक्चर. बेंजामिन के पिता ने, माता पिता ने फैसला किया कि उनको तस्वीर दिखाई जाए. दे टोल्ड हिम हाउ बेंजामिन वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग. उन्होंने उनको बताया कि कैसे बेंजामिन हमेशा कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता रहता है, तस्वीर बनाने की. दे वंडर्ड इफ दे शुड स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो. तो वो लोग सोच रहे थे कि क्या उसको ऐसा करने से रोकना चाहिए. द प्रीस्ट लुक्ड एट द पिक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम. प्रिंस ने लंबे समय तक तस्वीर को देखा. देन ही कॉल्ड बेंजामिन टू हिम एंड पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हेड. तब उसने बेंजामिन को बुलाया और उसके सर पर हाथ रख दिया अपना. और दिस चाइल्ड हैज़ ए वंडरफुल गिफ्ट. इस बच्चे के पास एक अद्भुत उपहार है. व्हाई शुड एनीवन स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही लव्स. किसी को उसको जो उसको पसंद है ऐसा करने से क्यों रोकना चाहिए. लेट अस होप दैट बेंजामिन विल ग्रो अप टू बी एन ऑनर टू आवर कंट्री, ही सेड. उन्होंने कहा कि हमें आशा करनी चाहिए कि बेंजामिन बड़े होकर के हमारे देश का सम्मान बनेगा, हमारे देश की इज्जत बनेगा. एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रीस्ट केम ट्रू. और प्रीस्ट की बातें सच साबित हुई. मेनी ईयर्स लेटर, कई सालों के बाद, बेंजामिन वेस्ट बिकम अ ग्रेट पेंटर. हिज पिक्चर्स मेड हिम वेरी फेमस. कई सालों के बाद बेंजामिन वेस्ट एक महान पेंटर बना, चित्रकार. एंड हिज पिक्चर्स मेड हिम वेरी फेमस. और उसकी तस्वीरों ने उसे बहुत प्रसिद्ध बना दिया. Thank you.